नमस्कार, पूनम की झटपट रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मशरूम बिरयानी बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मशरूम बिरयानी। इसके लिए मैंने 750 ग्राम मशरूम को लिया है, इसे धोकर साफ़ कर लिया है और ये देखिए फोर्क की सहायता से इसमें इस प्रकार से हमें छेद कर लेना है, जिससे कि जो मसाला है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से जा सके। और अब इसे दो भागों में इस प्रकार से काट लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और इसे फिर से पानी से धो लिया है और एक बाउल में इसे निकाल लेंगे। और इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च, ग्रीन चिली और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, ये देखिए। और फिर इसमें खड़ा मसाला, तेजपत्ता, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च को डाल देंगे और 2 बड़ा चम्मच दही को भी मिला देंगे। पिसा हुआ धनिया, जीरा, काली मिर्च, बिरयानी मसाला और गरम मसाला भी डाल देंगे और इन और धनिया पुदीना जो चॉप किया हुआ है और 1 छोटी चम्मच लेमन जूस डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से हमें मिला लेना है। ये देखिए इस प्रकार से मैंने थोड़ा दबा दबा कर सारी सामग्रियों को मिला दिया है और अब इसे ढककर मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है और थोड़ा मशरूम का भी पानी निकला है इसमें से। और पैन में मैंने 3 बड़ा चम्मच तेल को डाला है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से लंबाई में काट कर इसे फ्राई करेंगे और इसे बिल्कुल ही गोल्डन ब्राउन इसे फ्राई कर लेंगे। ये हमारा बिरयानी का बिरिस्ता तैयार हो गया है और इसे छन्नी की सहायता से ये देखिए दबा दबा कर इसमें जो बाकी तेल है उसे मैंने अलग कर लिया है और वही तेल मैंने पैन में डाल दिया है। और इसमें मैं ये जो हमारा मैरिनेट किया हुआ मशरूम है इसे डाल दिया है और इसे अच्छे से हमें फ्राई करना है और ढककर इसे पकाना है। 2 से 3 मिनट बाद मैंने ढक्कन को हटाया है, ये देखिए मसाला जो है तेल में पक रहा है। और फिर से मैंने ढक दिया है और 2 से 3 मिनट बाद ये देखिए ये जो मशरूम है उसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए मशरूम भी हमारा पक चुका है और अब मैं इसमें बिरिस्ता को मिला दूंगी। ये जो मेरा फ्राई किया हुआ प्याज था उसे मैंने मिला दिया है और गैस को बंद कर दूंगी। और उबलते हुए पानी में मैंने तेजपत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेल और नमक को डाला है और 1.5 कप मैंने बासमती बिरयानी राइस को लिया है और इसे अच्छे से धोकर डाल दिया है। और चावल को हमें 90% कुक करना है, ये देखिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए 90% ये हमारा कुक हो चुका है और अब मैं इसके माड़ को अलग कर लेती हूँ। ये जो इसका पानी है चावल का उसे मैंने अलग कर लिया है, छन्नी से छान लिया है। और ये देखिए ये जो हमारा मशरूम है इसे मैंने एकदम से इसके पानी को बिल्कुल नहीं सुखाया है, थोड़ा बहुत ये इसमें पानी है, पानी की मात्रा है। और इसके ऊपर ये देखिए चावल को इस तरीके से बराबर से बिछा देना है, ये देखिए इस प्रकार से एकदम। और थोड़ा सा मैंने बिरिस्ता को बचा कर रखा था इसके ऊपर मैंने डाल दिया है, ये देखिए। और धनिया पुदीना चॉप किया हुआ इसे भी इस तरीके से डाल दिया है और 2 बड़ा चम्मच इसमें मैंने पानी को डाला है और शुद्ध घी को इसमें मैंने डाला है 2 बड़ा चम्मच। और इसे ढककर हमें लगभग 7 से 8 मिनट पकाना है धीमी आंच पर। और ये हमारा मशरूम बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देखिए कितना यमी और डिलीशियस ये हमारा मशरूम बिरयानी बनकर तैयार हुआ है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। मशरूम बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले आप चावल को ज़रूर ही 10 मिनट तक पानी में डाल कर रखें और उसके बाद इसे छान कर अलग कर लें। और मशरूम में भी आप फोर्क की सहायता से छेद ज़रूर करें, जिससे कि मशरूम के अंदर मसाला अच्छे से चले जाए। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।